वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शारदा दर्रो, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट अरविंद कॉलेज किरंदुल से। आज हम वर्ल्ड सेंटर ऑफ प्राइमरी डाइवर्सिटी ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड इंडो वर्मिस सेंटर, जो MSc फोर्थ सेमेस्टर पेपर सेकंड यूनिट फोर्थ से लिया गया है, के बारे में जानेंगे। तो इसमें मैंने दो टॉपिक्स लिए हैं, एक है वर्ल्ड सेंटर ऑफ प्राइमरी डाइवर्सिटी ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट और दूसरा है इंडो वर्मिस सेंटर्स, जिसमें हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड सेंटर ऑफ प्राइमरी डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स। फर्स्ट हम इसके अंतर्गत देखेंगे इंट्रोडक्शन कि वर्ल्ड सेंटर ऑफ डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स में कौन कौन सी, मतलब ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसे हम इसके अंतर्गत लेते हैं। द सेंटर ऑफ ओरिजिन इज़ अ ज्योग्राफिकल एरिया, द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आइदर डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। मैनी पीपुल बिलीव्ड दैट सेंटर ऑफ द ओरिजिन आर ऑल्सो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, बट द सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी मे नॉट रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ ओरिजिन क्रॉप प्लांट, ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। इसमें ज्योग्राफिकल, ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर वाइल्ड हो, उस जगह पे, उस प्लेस पे ओरिजिन होता है, जिसे हम प्राइमरी सेंटर कहते हैं। और कई लोग ये बिलीव करते हैं कि ये सेंटर जो है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है, बट इट इज़ नॉट अ सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें जो ओरिजिन प्लेस है वर्ल्ड में, उसमें एक ही प्लेस जिसमें उसका ओरिजिन होता है, लेकिन कभी कभी ये देखा जाता है कि एक से ज़्यादा प्लेसेस में भी एक वैरायटी जो है हमको देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग ऑफ टू लोकेट वाइल्ड रिलेटिव, इसमें हमको एक नॉलेज मिलता है जिसमें हम ओरिजिन ऑफ क्रॉप के बारे में जानते हैं, इंपॉर्टेंस के बारे में जानते हैं, उसके जेनेटिक इरोशन के बारे में जानते हैं, उसके जर्म प्लाज्म के बारे में जानते हैं, और हैबिटेट और इकोटाइप जो है जिनकी वजह से जो है वो इनका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है हम देखेंगे एक रशियन साइंटिस्ट जिन NI वेविलोव और उसकी कलीग्स ने बहुत सारे कंट्रीज़ में विज़िट किया, और विज़िट करने के बाद कलेक्ट किया कुछ वैरायटीज़ क्रॉप प्लांट के, जो वाइल्ड वैरायटी भी थे, डोमेस्टिकेटेड भी थे, और उन्होंने एक ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया, और जिससे उनके कई कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, जेनेटिक्स, प्लांट ज्योग्राफी के डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि के बारे में जाना। नेक्स्ट हम देखते हैं ही कंसिडर्ड दैट अ ग्रेट सेंटर और ओरिजिन ऑलवेज लोकेटेड अ लोअर माउंटेन हिल एरियाज, मतलब उनका ये मानना है कि जो मेन जो क्षेत्र होते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन, वो मेनली माउंटेन और हिली एरिया, जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन से हैं। और वो ये भी मानते हैं कि सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन वेयर टू और मोर स्पीसीज क्रॉस टुगेदर, जो सेकेंडरी सेंटर होते हैं वो क्या है, दो स्पीसीज को क्रॉस किया जाता है, और क्रॉस करने के बाद एक नया स्पीसीज तैयार किया जाता है। जो सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिनल प्लेसेस वेयर नेचुरल और आर्टिफिशियल सेलेक्शन अकर्ड आफ्टर वन अनदर। उसके बाद ही स्टेटेड दैट प्लांट वर नॉट डोमेस्टिकेटेड एट रैंडम, बट इट वॉज कंटिन्यूस प्रोसेस, ये जो है ये सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट है विविलोव सेंटर्स ऑफ ओरिजिन, ही पब्लिश्ड हिज रिजल्ट इन 1926 एंड डेवलप्ड ए थ्योरी ऑफ द सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। ही प्रपोज्ड 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, उन्होंने 8 सेंटर जो है अपने पब्लिकेशन 1926 में प्रस्तुत किया था, जिसमें से पहला है चाइनीज सेंटर। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द
टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेंटर ऑफ ऑरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। ये जो है ये लार्जेस्ट और सबसे प्राचीन डोमेस्टिकेटेड प्लांट का एक ओरिजिन सेंटर है, और इस सेंटर में माउंटेन रीजन सेंटर और माउंटेन रीजन ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न चाइना, और इस जगह पे एंडेमिक स्पीसीज, बहुत सारे एंडेमिक स्पीसीज जैसे कि सोयाबीन, रेडिश, टर्नी, पियर, पीच, पम, कोलोकेशिया इत्यादि जो है इस जगह का मेन एंडेमिक स्पीसीज है। नेक्स्ट है हिमालयन सेंटर, इट इज़ आल्सो नोन एज इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। ये हिमालयन सेंटर को हम इंडियन ओरिजिन ऑफ सेंटर भी कहते हैं। दिस सेंटर इंक्लूड्स, इसमें मेन आ जाएगा असम, बर्मा, इंडो चाइना, मलायान इत्यादि आ जाएगा। द इंडो बर्मिक स्पीसीज जो होते हैं इसमें इस सेंटर में राइस है, रेड ग्राम है, चिकपी है, काउपी है, मूंग दाल, ब्रिंजल, कुकुम्बर, सुगर केन, ब्लैक पेपर, मॉथ बीन, राइस, कॉटन, टर्मरिक, इंडिगो एंड मिलेट्स इस एरिया के मेन एंडेमिक स्पीसीज है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिटेरियन सेंटर। मेडिटेरियन सेंटर में आएगा दिस सेंटर इंक्लूड्स बॉर्डर ऑफ मेडिटेरियन ऑफ सी मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड वेजिटेबल्स। इस जगह पे बहुत सारे वेजिटेबल्स मिलते हैं जिसमें एंडेमिक है ड्रम वीट, एमर वीट, ओट, बार्ली, लेंटिल पी, ग्रास पी, ब्रॉड बीन, कैबेज, एस्पैरागस, पेपरमिंट एक्सेट्रा इस सेंटर के एंडेमिक स्पीसीज है। फिर है नेक्स्ट अबिसिनियन सेंटर। इस सेंटर में इथियोपिया एंड पार्ट ऑफ सोमालिया ये क्षेत्र आते हैं। इसके एंडेमिक स्पीसीज इस सेंटर के आ जाएंगे, वीट है, सॉर्गम, बाजरा, सनफ्लावर, कैस्टर, ब्रॉड बीन, ओकरा एंड कॉफ़ी इत्यादि आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल एशियन सेंटर। दिस सेंटर इंक्लूड्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड वेस्टर्न चाइना इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके एंडेमिक स्पीसीज हैं जिसमें ब्रेड वीट, क्लब वीट, सीसम, इनसीड, कैरेट, ऑनियन, गार्लिक, एप्रिकॉट, ग्रेप इत्यादि, कॉटन इत्यादि इसके एंडेमिक स्पीसीज हैं। एशिया माइनर सेंटर, दिस सेंटर्स कवर्स नियर ईस्ट एशियन रीजन लाइक ईरान एंड तुर्किस्तान। द एंडेमिक स्पीसीज ऑफ दिस एरिया इज वीट है, राई है, पोमेग्रेनेट है, एलमंड है, फिग है, चेरी है, वॉलनट है, अल्फा अल्फा है, पर्शियन क्लोवर इत्यादि इसके एंडेमिक स्पीसीज है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल अमेरिकन सेंटर। इस सेंटर में इंक्लूड्स साउथर्न पार्ट ऑफ मैक्सिको, कोस्टल रिका, ग्वाटेमाला और इत्यादि रीजन इस क्षेत्र में आते हैं। इसके एंडेमिक स्पीसीज आ जाएंगे, मेज़ है, राजमा है, मेलन है, पम्पकिन है, स्वीट पोटैटो है, एरो रूट है, चिली है, कॉटन है, पपाया, ग्वावा इत्यादि इसके इस क्षेत्र के इस एंडेमिक स्पीसीज है। नेक्स्ट लास्ट है साउथ अमेरिकन सेंटर। इस सेंटर में आइलैंड आ जाएंगे, चिली के, ब्राज़ील के, पैराग्वाना रीजन आ जाएगा, और इसके एंडेमिक स्पीसीज है स्वीट पोटैटो, टोमेटो, पपाया, टोबैको, क्विनिन, रबर, ग्राउंडनट, कोका, पाइनएप्पल इत्यादि क्षेत्र के मुख्य एंडेमिक स्पीसीज है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके लिमिटेशंस कौन कौन से हैं। इसमें हैं एक्सपेंशन ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑन कल्टिवेशन प्लांट पॉइंटेड सर्टेन लिमिटेशंस और
Babylon's view. These views are Babylon's considered the region with greatest genetical variety of the species as a center of origin of that species. But now the many such species are known whose center of origin and genetic diversity are different, for example maize and tomatoes. नेक्स्ट हम देखेंगे इसके लिमिटेशन में सेंटर ऑफ ओरिजिन कल्टिवेटेड प्लांट एज पर विविलोन आर लिमिटेड टू द माउंटेन एंड स्मॉल हिल्स ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. मतलब वेविलोन के आधार पर हम माउंटेन और हिली एरियाज और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन को प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेन्स और सेंटर में भी है जहाँ पे हम बहुत सारे प्लांट को कल्टिवेटेड कर सकते हैं. टुडे सेवरल क्रॉप्स आर नोन हुज सेंटर्स ऑफ द ओरिजिन आर डिफरेंट फ्रॉम वन सजेस्टेड बाय वेविलोन. वेविलोन के द्वारा जो सजेस्ट किया गया था उस सेंटर्स के अलावा भी कई ऐसे सेंटर्स हैं. मोर ओवर देयर इज मोर देन वन सेंटर ऑफ ओरिजिन. मतलब एक ही स्पीसीज के एक से ज़्यादा सेंटर्स हो सकते हैं. और ऑल्सो द ओरिजिन ऑफ मैनी ऑफ द स्पीसीज कैन नॉट बी ट्रेस्ड ड्यू टू द लैक ऑफ सफिशियंट एविडेंस. नेक्स्ट है विविलोन्स लिमिटेशंस में. अकॉर्डिंग द विविलोव प्राइमरी सेंटर्स इज मार्क्ड बाय हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ रिसेसिव टूवर्ड्स द पेरीफेरी. बट दिस व्यू इज नॉट एक्सेप्टेड एज पर द लेटेस्ट नॉलेज. ये हो गया इसके लिमिटेशंस. अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके इम्पोर्टेंस क्या है. इन 2016 रिसर्चर्स लिंक्ड ओरिजिन एंड प्राइमरी ओरिजिन ऑफ डाइवर्सिटी एरिया टिपिकली इंक्लूडेड द लोकेशन ऑफ द इनिशियल डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप एम्फेसिस द प्राइमरी ज्योग्राफिकल जोन ऑफ क्रॉप वेरिएशन जेनरेटेड सिंस एट दैट टाइम एंड कंटेनिंग रिलेटिवली हाई स्पीसीज रिचनेस इन क्रॉप वाइल्ड रिलेटिव डाइवर्सिटी रीजन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर क्रॉप विथ देयर करेंट इम्पॉर्टेंस अराउंड द वर्ल्ड इन मॉडर्न नेशन फूड सप्लाइज एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. द रिजल्ट इंडिकेट दैट फॉरेन क्रॉप्स वर 68.7% ऑफ नेशनल फूड सप्लायर एज अ ग्लोबल मीन एंड देयर यूसेज आर ग्रेटली इंक्रीज्ड इन द लास्ट 50 ईयर्स. मीन्स इसका इम्पोर्टेंस ये है कि हमारा देश जो है जिसमें से 68.7% जो है वो हम ग्लोबली उसे सप्लाई करते हैं. और हमें एक न्यू वैरायटी कई ऐसे न्यू वैरायटीज़ आ गए हैं हमको देखने को मिलता है जो आफ्टर हेरिडिटी आफ्टर ब्रीडिंग के बाद हाइब्रिडेशन के बाद उनका इंक्रीज किया गया है. तो विविलोस या जो सेंटर ऑफ रीजन जो है इसके बारे में जानना जो है बहुत ही ज़रूरी या आवश्यक या महत्वपूर्ण है. नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक इसमें इंडोवर्मिस सेंटर्स. इंडिया में बहुत सी रिच डाइवर्सिटी है. इसमें इट हैज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ द न्यू लिस्ट ऑफ रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. मतलब इसे ही हम इंडिया को हम सबसे रिचेस्ट कंट्री मानते हैं बायोडाइवर्सिटी के मामले में. इसके डेमोग्राफी अलग है, भिन्न है, इजीली हम उसे समझ सकते हैं. इसका डाइवर्सिटी जो है वो अलग अलग है. ह्यूमंस पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन बायो जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड रहते हैं कई वेज में. और ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो ग्रो करता है वो केवल बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड रहता है इत्यादि. नेक्स्ट हम देखते हैं कि एज इट हैज़ बीन ऑलरेडी मेंशन इंडिया इज अ कंट्री रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इट इज़ सिचुएटेड इन द इंडो मलाया इकोजोन एंड कंप्राइज टू
आउट ऑफ 35 डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो 35 बायोडाइवर्सिटी है उसमें से 2 जो है वो हमारे इंडियन क्षेत्र में है। द थर्ड वन इज़ इंडो वर्मन लाइज पर्टिकुलरली इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और थर्ड जो है इंडो वर्मन सेंटर है। इसमें हम देखते हैं कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से स्पीसीज है जो प्रेजेंट होते हैं। 350 मैमल्स विच मेक अप 7.6% ऑफ द वर्ल्ड स्पीसीज। 1224 बर्ड्स मेक 2.6% ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज। 197 एम्फीबियंस विच मेक 4.4% ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज। 408 रेप्टाइल्स विच मेक 6.2% ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज। 2546 फिशेस मेक 11.7% ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज। नेक्स्ट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट विच मेक 6% ऑफ द वर्ल्ड स्पीसीज। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये किस जगह कहाँ पे लोकेट होता है। लोकेटेड इन साउथ एशिया प्राइमरली विथ इन द कंट्री ऑफ कोलंबिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड। द इंडो वर्मिन हॉटस्पॉट इज़ वन ऑफ द, ये पूरा जो साउथ इंडिया का एशिया है, साउथ एशिया है, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इंडो वर्मिन हॉटस्पॉट, ये सब मोस्ट थ्रेटेंड हॉटस्पॉट्स है अर्थ के, जिसमें से 5% ऑफ ओरिजिनल इनहैबिटेड रिमेन रिलेटिवली इंटैक्ट। हाई ह्यूमन पॉपुलेशन एंड लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रैपिड रिसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट प्रेशर ऑफ डाइवर्स एरिया ऑन दिस एरिया, मतलब जो पॉपुलेशन जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है वो इस हैबिटेट को डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये एरिया जो है वो एक प्रेशर महसूस कर रही है, जिसकी वजह से ये डैमेज होते चले जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडो वर्मिस एरिया कौन से रीजन में प्रेजेंट हो रहा है। तो ये इंडिया है, इंडिया के इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि ये जो छोटा सा रीजन है, इस छोटे से रीजन में हम इंडो वर्मिस क्षेत्र लेते हैं उसे, और इसमें आ जाता है म्यांमार, जिसे बर्मा, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, और एक साइड से बंगाल की खाड़ी से वो घिरा हुआ है, और एक साइड से साउथ चाइना सी से घिरा हुआ है, और इसमें बहुत सारे वैरायटी और हैबिटेट या बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द बायोडाइवर्सिटी, इस एरिया का बायोडाइवर्सिटी क्या है। दिस हाई बायोडाइवर्सिटी इन द इंडो वर्मन हॉटस्पॉट इज़ ड्यू टू पार्ट ऑफ द वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम फाउंड इन देयर रेंजिंग फ्रॉम अपलैंड, मतलब इस एरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, इसका इकोसिस्टम अलग अलग होता है, कहीं पे रिवर मौजूद है, कहीं पे डेसिडुअस ट्रीज मौजूद है, कहीं पे फॉरेस्ट मौजूद है, कहीं पे वेटलैंड मौजूद है, तो इन सब के कारण इस जगह की डाइवर्सिटी जो होती है वो बहुत अलग होती है। एवरग्रीन कॉनिफर्स फॉरेस्ट, यहाँ पर एवरग्रीन कॉनिफर फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं। वेटलैंड एरियाज़ प्रेजेंट होते हैं जिसमें फिशेस और एक्वेटिक स्पीसीज प्रेजेंट होता है। इसमें प्लांट डाइवर्सिटी बहुत अधिक होती है, जिसमें 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट जो है इस जगह पे एंडेमिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो हाई विथ 400 मैमल्स स्पीसीज यहाँ प्रेजेंट है, 500 रेप्टाइल्स स्पीसीज प्रेजेंट है, 25% जिसमें से एंडेमिक स्पीसीज है। फ्रेश वाटर टेटाइल्स प्रेजेंट है इस जगह पे, 300 एम्फीबियंस स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं और जो एंडेमिक है, 1200 स्पीसीज बर्ड्स के प्रेजेंट है यहाँ पे, और कई स्पीसीज ऐसे हैं जो इस एरिया में प्रेजेंट है परंतु वो थ्रेटेंड है। नेक्स्ट हम देखेंगे थ्रेट्स एक मतलब कैसे संकटग्रस्त जो इसमें कौन से स्पीसीज जो है वो संकटग्रस्त है थ्रेट्स से। इंडो वर्मिस हैज़ 20 एंडेमिक पैरामीट्स एंड ऑल ऑफ देम आर एंडेंजर्ड एंड नॉन एंडेमिक बट नेटिव स्पीसीज। द रिसेंटली डिस्कवर्ड सियोला वाज द अनएक्सेप्टेड फाइंड
इट इज़ रिलेटिवली लार्ज मैमल दैट दैट हैड सरप्राइजिंगली एस्केप्ड नोटिस बिफोर नाउ. अनफॉर्चुनेटली इट इज़ एंडेंजर्ड एज आर सेवरल स्पीसीज ऑफ डियर. दिस रीजन इज़ ऑल्सो होम टू अदर नेटिव बट नॉन एंडेमिक थ्रेटन्ड स्पीसीज सच एज रेड पांडा, टाइगर, एशियन एलिफेंट, पेंगोलिन. उसके बाद है बहुत सारे इसमें मैमल्स आ जाएंगे. 754 प्लांट्स जो है एंड एनिमल स्पीसीज जो है इस जगह के थ्रेटन्ड और डेंजर्ड और वल्नरेबल हॉटस्पॉट वल्नरेबल क्राइटेरिया में आते हैं. हम इसके बाद देखते हैं थ्री एड्स इंक्लूड्स हैबिटेट डिस्क्रिप्शन. मतलब ये जो संकटग्रस्त स्थिति जो आई है उस जगह की बायोडाइवर्सिटी से, ये मेनली फ्रेगमेंटेशन डिस्ट्रक्शन इत्यादि के कारण आई है और एग्रीकल्चर के कारण आई है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो स्पीसीज है वो लॉस्ट के कगार में हैं. उसी प्रकार से कई ह्यूमन पॉपुलेशन मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन के कारण भी इस जगह में जो डाइवर्सिटी जो विविधता है धीरे धीरे समाप्ति की ओर है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस रीजन में कौन कौन से प्लांट मौजूद हैं और कितने एंडेमिक है और कितने स्पीसीज जो है वो थ्रेटेंड है. देयर आर मोर देन 300 ग्लोबली थ्रेटेंड प्लांट स्पीसीज इन इंडो वर्मन. मतलब यहाँ पे 300 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज है, जिसमें 2/5 ऑफ द हॉटस्पॉट ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज और द फीवर प्रोबेबली रिप्रेजेंट ओनली द फ्रैक्शन ऑफ द प्लांट स्पीसीज ऑफ ग्लोबल कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट इन द हॉटस्पॉट. मैनी स्पीसीज ऑफ ऑर्किड आर ग्लोबली रिस्ट्रिक्टेड टू द हॉटस्पॉट. मतलब कई ऐसे ऑर्किड है और एंडेमिक स्पीसीज भी है ये, और ऑफ द प्लांट स्पीसीज ऑलरेडी एसेस्ड ग्लोबली थ्रेटेंड. मैनी आर हाई वैल्यू टिम्बर स्पीसीज इज डेंजर इन ओवर एक्सप्लोरेशन. द पैटर्न ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इंडो वर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ टोपोग्राफी प्रीवियस चेंजेस इन क्लाइमेट सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैटर्न ऑफ सॉइल रेनफॉल. नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैमल्स एटलीस्ट क्वार्टर ऑफ इंडो बर्मन मैमल्स स्पीसीज आर ग्लोबली थ्रेटेंड. मतलब 1/4 जितने भी इस जगह पे मैमल्स है वो थ्रेटेंड है. हॉटस्पॉट नॉर्थ वे कंसंट्रेशन ऑफ ग्लोबली थ्रेटेंड प्राइमेट्स विच 20 आर एंडेमिक. जैसे कि हॉटस्पॉट में पैगमी लॉरिस क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है. इसके बाद है लीफ मंकी. अदर ग्लोबली थ्रेटेंड मैमल्स इस रीजन के जैसे कि है सौला, जो इससे पहले मैं बताई हूँ, ये क्रिटिकली थ्रेटेंड है इस जगह के. क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो इस जगह के हैं राइनोसिरोस है, जो रिसेंटली डिसअपियर होने लगा है इस क्षेत्र से. और उसी प्रकार से क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो हियरी राइनोसिरोस है एंड ऑल्सो मैं रिसेंटली परचेज टू एक्सपर्टाइज एक्सटर्पेशंस इन द रीजन. नेक्स्ट है बर्ड्स. इस इकोसिस्टम में बहुत से बर्ड्स मौजूद है जो अभी थ्रेटन्ड स्पीसीज में आ गए हैं. हॉटस्पॉट मोस्ट एनगेमटिक बर्ड्स है प्रोबेबली इट्स थ्रेट इट वाइट आईड रियर मार्टिन नो फ्रॉम वेटलैंड इन सेंट्रल थाईलैंड. देयर आर नो कन्फर्म्ड रिकॉर्ड इन सिंस 1978. द स्पीसीज इस कैटेगरीज एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बट मे बी ऑलरेडी बी एक्सटेंड. जो अभी मतलब हम उसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड में ले रहे हैं, लेकिन अभी ये मान्यता है कि वो बर्ड जो है वो पूर्ण रूप से एक्सटेंड हो चुके हैं. उसके बाद मैनी फूड प्लांट्स स्पीसीज इन द हॉट स्पॉट आर सेवरल थ्रेटन इंक्लूडिंग एंडेमिक लाइक क्रिटिकली एंडेंजर्ड गेंट आईबीज.
नेक्स्ट है रेप्टाइल्स. मैनी रेप्टाइल्स स्पीसीज आर स्टिल बींग आर डिस्कवर्ड इन द हॉटस्पॉट मेकिंग मीनिंगफुल स्टैटिक्स एलिसी. फॉर एग्जाम्पल अंटिल 1997 ओनली 3 स्पीसीज ऑफ क्रेटोडिक्टलस जेको हैज बीन रिकॉर्डेड इन वियतनाम फॉर वियतनाम वेयरस करेंटली 2 dozen स्पीसीज आर नोन फ्रॉम द कंट्री. देयर आर ऑल्सो अ सूट ऑफ लार्ज बॉडी मोस्टली स्लोली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज इंक्लूडिंग द क्रिटिकली एंडेंजर्ड सीएमएन क्रोकोडाइल आर द रिचेस्ट ऑफ नॉन मेराइन टर्टल फौना इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट हम देखते हैं एम्फीबियंस. मैनी ऑफ द हॉटस्पॉट एम्फीबियंस स्पीसीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड एट लीस्ट लास्ट 20 years इंडिकेटिंग दैट मैनी मोर रिमेन्स टू द डिस्क्राइब. वाइल द नीड फॉर कंजर्वेशन एक्शन ऑफ साउथन साउथ ईस्ट एशियन एम्फीबियंस इज बिकम इंक्रीजिंगली अपेरेंट इंफॉर्मेशन इज ऑफन सफिशियंट टू अलाउ स्पेसिफिक एक्शन टू बी टेकन. नेक्स्ट है फ्रेश वाटर फिशेज एंड इनवर्टिब्रेट्स. क्रिटिकली एंडेंजर्ड मेकोंग गेंड कैटफिश इज परहैप्स द बेस्ट नॉन ग्लोबली थ्रेटन्ड फिश इन इंडो वर्मा. इस इंडो वर्मा क्षेत्र से ये जो कैटफिश ये समाप्त होने की कगार में है. बट द स्पीसीज जस्ट वन द गेंड फ्रेश वाटर फिश इन द हॉटस्पॉट. अदर ग्लोबली थ्रेटन्ड फिशेज इज एंडेंजर्ड मैकोंग फ्रेश वाटर स्ट्रिंग रे क्रिटिकली एंडेंजर्ड गेंड क्रैब एंड एंडेंजर्ड ज्वेलिन गोल्डन क्रैब एक्सेट्रा इनवर्टिब्रेट्स. देयर इज एन एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट एंड इनवर्टिब्रेट्स अकरिंग इन इंडो वर्मा. बट द कंसिडरेबल प्रोग्रेस इज बींग मेड विथ वन ग्रुप एंड नोटेबली ड्रैगन फ्लाइज एंड वेरियस एक्वेटिक मॉस्कस. हाउएवर देयर अदर ग्रुप लाइकली टू सर्टेन स्पीसीज अंडर द रैपिड डिक्लीन एंड हैव नॉट बीन एसेस्ड इंक्लूडिंग लार्ज स्पेसिमेन बेटल्स विच अटैच हाई प्रिंसेस इन द पेट एंड स्पेसिमेन ट्रेड. ये बताती हूँ मैं फ्रेश वाटर फिशेस का. नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इनके लिए कंजर्वेशन एफर्ट या प्रयास किस प्रकार से कर सकते हैं. कि जिस प्रकार से देखा गया कि इस हॉटस्पॉट में इंडो वर्मिस जो सेंटर है यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है, बहुत से प्लांट्स मौजूद है, प्लांट्स है, फ्रेश वाटर फिशेस है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है. तो ये सारी स्पीसीज में 50% ऐसे हैं जो एंडेमिक है और एंडेमिक होने के साथ साथ थ्रेटेंड भी है. मतलब कई ऐसे कारण हो सकते हैं थ्रेटेंड के जो इस क्षेत्र से धीरे धीरे समाप्ति की स्पीसीज जो है समाप्ति की कगार में है, उनको कंजर्वेशन की आवश्यकता है. और ये कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या क्या किए जा रहे हैं उसके बारे में मैं बता रही हूँ. मैनी प्रोटेक्शन एफर्ट्स फोकस आइडेंटिफाइंग एंड डिप्रेसिंग द थ्रेट्स ऑफ 2 इंडिविजुअल स्पीसीज दैट आर कंसिडर्ड एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड इंक्लूडिंग एक्सप्लॉइसिंग हेल्थ इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग एंड वर्क इज अंडर वे टू कनेक्ट हैबिटेट इन फ्रेगमेंटेड लैंडस्केप एंड कॉरिडोर्स सुटेबल फॉर स्पीसीज दैट नीड टू यूज दैम स्पेशली माइग्रेट स्पीसीज हु मूव अप एंड डाउन एंड साइड्स ऑफ द माउंटेन्स. कंजर्वेशन में हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एंडेंजर्ड और डेंजर्ड जो स्पीसीज है उनको हम बचाएं, उनको ट्रैक करें, उनको फ्रेगमेंट होने से बचाएं. उनको एक जगह से दूसरी जगह अगर वो जाता है तो हमें भी ये ध्यान देना होगा कि क्या उस हैबिटेट में या उस एनवायरमेंट में अपने आप को फिक्स कर पाता है, अडेप्ट कर पाता है या नहीं. इसके बाद है एज विथ मैनी अदर डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन डेवलपिंग एरियाज एफर्ट्स आर द बीइंग मेड टू एजुकेट लोकल कम्युनिटीज अबाउट द रीजन बायोलॉजिकल वेल्थ एंड इट्स वैल्यू ऑफ देम टू देम द एम्पावर देम टू परस्यू कंजर्वेशन एंड सस्टेबिलिटी एक्शन टू प्रोटेक्ट देयर बायोरीजन.
वन इंडिपेंडेंट टू प्रोटेक्ट टू द पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ एरिया ऑफ द एरिया. न्यू स्पीसीज आर डिस्कवर्ड रेगुलरली एंड फ्यू ग्रुप्स विद द एक्सपेंशन ऑफ द मैमल ऑफ द बर्ड विच हैव बीन एवेल्यूटेड थ्रेटेंड स्टेटस. हमें उस जगह के लोकल एरिया के जो लोग हैं पीपल्स हैं उनको भी समझाना चाहिए कि हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है. उनका जो पुअर कंडीशन में फ्लोरा एंड फौना है उसे हमें रिजनरेट करना होगा. और कई ऐसे स्पीसीज है जो थ्रेटेंड के एरिया थ्रेटेंड स्टेट में है, लेकिन कुछ न्यू स्पीसीज जो है वो इंट्रोड्यूस भी हो रहे हैं. तो इस प्रकार से इंडोडर्मिस जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत विविधता लिए हुए है. और इसी तरह से हमने आज दो टॉपिक के बारे में पढ़ा है, जिसमें फर्स्ट प्राइमरी सेंटर और सेकंड जो है वो इंडोवर्मिस सेंटर्स के बारे में. इसी के साथ आज का मैं ये वक्तव्य समाप्त करती हूँ. थैंक यू.